आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला कैटेगरी की दूसरी कैटेगरी के फॉर्मूले में हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूले का, कि फॉर्मूले में जो टेक्स्ट फॉर्मूला है उसका क्या यूज है और किस तरह से उसका इस्तेमाल हम करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला बात करते हैं बैटेक्स का। बैटेक्स का फॉर्मूला इंडिया में यूज नहीं होता है, क्योंकि एक इसका काम है नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। जैसे हम 150 किया तो 150 इस तरह से रिटर्न करता है, लेकिन थाई लैंग्वेज में, इसलिए इसको भूल जाइए। इंग्लिश में करने का दूसरा तरीका है, जो कि हम आगे क्लासेस में बताएंगे। फिर एक कैर एंड कोड, दो फॉर्मूला है इसके बारे में जानिए। जैसे कोई भी करेक्टर लिखा तो उसका कोड जो एस्काई वैल्यू होती है वो आपका कोड फॉर्मूले से पता चलता है, और कैर क्या करता है उसको वापस करेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो करेक्टर में वापस कन्वर्ट करता है। अब इसका यूज क्या है हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले हम बात करते हैं ट्रिम और क्लीन फॉर्मूला। जैसे सुजीत और मैं कुमार में बहुत सारे स्पेस दे देता हूँ, स्पेस दिया फिर सुजीत लिखता हूँ और सुजीत लिख के फिर स्पेस देता हूँ, क्योंकि तो इसमें अनवांटेड स्पेस लगा हुआ है। ऐसे अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के काम करता है ट्रिम, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या एंड में हो। ट्रिम क्या करता है उसको ट्रिम कर देता है। और क्लीन क्या करता है, क्लीन फॉर्मूला भी है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं यहां पे सुजीत और कुमार के लिए ऑल्ट एंटर प्रेस किया और यहां पे हमने कुमार लिख दिया। अब मैं यहां पे फॉर्मूला अगर मान लीजिए इसका ट्रिम का लगाता हूं तो आप देखेंगे सुजीत कुमार इकट्ठा मिलेगा, लेकिन अगर मैं इस पे लेन का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा? आपके सामने लेन 12 दिख रहा है, लेकिन अगर मैनुअली काउंट करेंगे SUJEET सुजीत और कुमार को तो 6 और 5 11 हो रहे हैं, लेकिन इसमें 12 दिखा रहा है। तो टी और के बीच में एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, टी और के बीच में आपको एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर दिख रहा है। तो क्लीन का काम जो है ऐसे करेक्टर जो कि वजूद तो है बट विजुअल नहीं है या फिर उस प्रिंटेबल नहीं है, ऐसे को रिमूव करना, जो कि आपके सामने इसने रिमूव कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सुजीत और कुमार के बीच में इसने कोई सेपरेटर नहीं दिया, मुझे इसके बीच में सेपरेटर चाहिए। तो यहां पे क्या करेंगे, जैसे सुजीत मतलब कि हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी अनदर करेक्टर से रिप्लेस करना। तो आपके सामने एक टेक्स्ट दिख रहा है, मुझे इसमें से सारे डॉट को डैश में बना देना। इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला को बोलते हैं कि भाई मुझे इसमें से डॉट को डैश बना दो। डॉट हमारा डैश हो गया। इसमें आपकी इंस्टेंस नंबर है, मतलब कि मैंने 1 किया तो पहले ही डॉट को डैश करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। 2 करोगे तो दूसरे को करेगा, पहले भी नहीं करेगा। अगर कुछ नहीं देंगे तो सारे को करेगा। एक हमारे पास इसी के जैसा रिप्लेस का भी फॉर्मूला होता है। रिप्लेस का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल के अंदर आप करेक्टर के हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि पोजीशन के हिसाब से, कि चौथा करेक्टर को रिप्लेस करना है, कि चौथे से एक करेक्टर को डैश कर देना, डैश पर ही मैं स्लैश कर देना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर क्या करेक्टर है, तो आप यहां से इस तरह से रिप्लेस लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट
यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ गई कि मुझे क्या काम है, मुझे है कि इसमें से जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है जिसको क्लीन ने डिलीट कर दिया है, मुझे उसको स्पेस में कन्वर्ट करना है। अगर मैं सब्सिट्यूट करता हूं तो प्रॉब्लम होती है कि उस कैरेक्टर को टाइप कैसे करूं, क्योंकि ऑल्ट एंटर एक शॉर्टकट से आता है तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक सेल के ऊपर डबल क्लिक करके ऑल्ट एंटर प्रेस करके उस कैरेक्टर को ला दिया, फिर मैंने कोड फॉर्मूले से उसकी कोड पता करी, तो 10, मतलब कि कैर फॉर्मूले में अगर मैं 10 डालूंगा तो सेम वर्ड सेम करेक्टर मुझे रिप्लेस करेगा। इसका मतलब है कि मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले के अंदर इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला कि कैर 1 0, और फिर हमने इसमें दिया स्पेस। ठीक है, सबको समझ में आया, किसी को डाउट तो नहीं है? एक बार फिर से सर रिपीट कर देंगे, क्या रिपीट करना है इसमें? ये कोड मतलब कैसे लाए मैंने और क्यों आपको लाना बताया ना, पड़ता सुनिए है? बता, आपको मैंने बताया कि जब भी हम करेक्टर लिखते हैं तो उसकी एक कोड फॉर्मूला उसका एक ट्राई कोड देता है, और उस कोड को अगर हम कैरे में डालते हैं तो हमें करेक्टर मिल जाता है। तो हर एक करेक्टर को एक्सेल एक कोड से समझता है, समझे? उस कोड को जानने के लिए हम कोड फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, उस कोड से करेक्टर लाने के लिए हम कैर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू को टाइप कर लिया, कोड फॉर्मूले से पता कर लिया कि इस वैल्यू का कोड क्या है, एक्सेल उसको किस नंबर से समझ जानता है, तो पता लगा कि 10 नंबर से जानता है। मतलब कि अगर मैं कैर फॉर्मूले में 10 लिखूं तो मुझे सेम कोड रिटर्न करेगा। तो सेम यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट में क्या किया कि हमने बोला कि C10 में से कैट 10, मतलब कि कैट 10 जो करेक्टर रिटर्न करेगी 10 नंबर कोड का, उस करेक्टर को स्पेस से रिप्लेस कर दे। समझ में आया आपको? हम बात करते हैं सेपरेशंस का। जैसे कि हमारे पास इस तरह के नंबर्स हैं और मुझे इसमें से इन नंबर को अलग अलग करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला है लेफ्ट का, तो किसको सेलेक्ट करूंगा, बोलूंगा कि लेफ्ट से 3 करेक्टर को अलग कर दो तो 3 करेक्टर को अलग कर देगा, फिर मैं बोलूंगा राइट आर आई, राइट फॉर्मूले से हमने क्या किया इसको सेलेक्ट किया और यहां से हमने बोला कि 6 करेक्टर या 3 करेक्टर जो भी, तो 1 करेक्टर अलग हो जाए। ओके, और हमारे पास फॉर्मूला है मिड का, जो इसमें से बीच का, जैसे हमने दिया 1 2 3 0 मतलब 4 5, 5 करेक्टर से 3 करेक्टर को अलग करो तो ये अलग कर। तो लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट से अलग करता है, राइट क्या होता है, राइट से अलग करता है, और मिड क्या है, मिड से अलग करता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब इसके बेनिफिट के लिए हम एक बता दें कि हमारे साथ एक स्टूडेंट पढ़ते हैं मिस्टर वीर सिंह, उनकी एक प्रॉब्लम है, हम उन्हीं की प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं। बेसिकली उनके पास एक इस तरह का टाइम आता है, इस टाइम को समझिए क्या है, ये आपका ट्यूजडे डे है, अक्टूबर मंथ है, और यहां 15 डे है, ये इनका टाइम है, प्लस 5:30 इज द टाइम जोन, उसके बाद ईयर 2019। ओके, बट ये टेक्स्ट में हो गया, उनको डेट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो ट्यूसडे है
इसको हटाना चाहते हैं। वो अक्टूबर 15 और इस डेट को उनको अलग करना है, चाहे अक्टूबर 15 को अलग करना है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि 3 लेटर है, यहाँ पे मैं मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा, मिड हम बोलेंगे कि इसमें जाइए, और मिड इसका स्टार्ट है 3रा 4था 5वें से जाना है 3 2 5 1 6 6 करेक्टर को लेना है। अक्टूबर 15 आ गया, दिख गया सर, छो क्यों किया कि OCTI अक्टूबर 3 लेटर होगा, एक स्पेस 4, और फिर जो नंबर होगा वो 5 होगा, अगर 1 है तो 01 होगा, तो 5 लेटर लेना है, अक्टूबर 15 आ गया। लेकिन इसके साथ इसका ईयर भी आना चाहिए, तो हमने फॉर्मूला दिया राइट का, इसमें से बोला कि राइट से 4 लेटर अलग कर दो तो ईयर हो जाएगा। तो फिर मैंने इसमें इसको कंबाइन कर दिया स्पेस देके, कॉनकेटेनेट फॉर्मूला या एन परसेंट की फॉर्मूला से, तो डेट बन गया क्या सर, समझ में आया आप लोगों को ये? जी, जीरो डाउट। अब मुझे इसमें से टाइम को अलग करना हो तो क्या करेंगे, क्या मुझे इसमें से टाइम को अलग करना है, तो इसमें से टाइम को अलग, सिर्फ डेट अलग हो गया, अब टाइम अलग करना है। तो मैं यहां लगाऊंगा फॉर्मूला में, क्योंकि मैं देखता हूं मेरा पूरा सीक्वेंस है 3 4 4 3 7 1 8 8 2 10 11, तो इसमें मिड हमारा 12वें से स्टार्ट होगा, राइट सर, और नंबर के टाइम में कितना है, 2 4 6 और 2 8, 8 लेटर को अलग कर, टाइम अलग हो गया। तो इसका यूज हम इसमें करते हैं, तो यहां पे तो चलो पैटर्न है इसलिए इसका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बहुत सारे जगहों पे मान लीजिए पैटर्न नहीं हुआ तब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा हुआ है kumar@iptindia.com, या फिर यहाँ पे एक और भी है iptindia@outlook.com। अब मुझे इसमें से साइट को अलग करना है और आईडी को, सॉरी यहाँ आईडी को अलग करना है और साइट को अलग करना है, वेबसाइट जो है उसको अलग करना है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे वेबसाइट है, हर किसी का लेंथ कम और ज्यादा है, तो मुझे एट द रेट से पहले वाली पोजीशन को यहां रखना है, एट द रेट के बाद वाली पोजीशन को यहां पर, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है फाइंड का, फाइंड फॉर्मूला। इसमें हमने बोला कि स्पेस क्या, एट द रेट दिया, और किसमें, तो आईपीटी इसमें, और हमने बोला कि स्टार्टिंग पहले से करना है, तो आपके सामने 6 आ गया। फिर मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और बोलूंगा कि इसमें से 1 1 कम अलग करें। तो फाइंड का काम क्या है कि जो करेक्टर जो अल्फाबेट आप देंगे उस अल्फाबेट से को ढूंढेगा कि सेल के अंदर में है या नहीं, है तो कितने करेक्टर बाद है, ठीक है सर। तो ये 6 आ गया। फिर हमने बोला कि भाई इसमें से B48-1, मतलब कि ये तो एट द रेट तक की पोजीशन दिखाई ना, मुझे इसमें से कम चाहिए, तो यहां पे आ गया। फिर मुझे उसके बाद का चाहिए, तो मैं यहां पे राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और बोलूंगा कि लेंथ, इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उस लेंथ में से माइनस करेंगे 6 को, तो साइड।
तो कुमार और असाइन अलग अलग हो गया। अब इस जगह पे कुछ भी होगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ सुजीत कुमार, तो सुजीत कुमार को अलग करेगा। अब इसका लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई कि फाइंड नीचे रखा हुआ, इसमें भी हमने बनाया, तो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड से ही सबको हम मर्ज कर सकते हैं। हम कैसे, हमने इसको कॉपी किया और फिर इसमें गए और यहाँ B48 पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ भी B48 है तो उसको पेस्ट कर देते हैं। अब मेरा फाइंड के फॉर्मूले की जरूरत नहीं। तो फाइंड का फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं, मुझे थोड़ा उसमें डाउट गया कि जैसे आपने कुमार के साथ पहले सुजीत लगाया है, तो वहां पे थोड़ा फंडा क्लियर करना है। हाँ, सिंपल सी बात समझिए ना कि ये टेक्स्ट है हमारा, बात समझिए टेक्स्ट है, मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए। अब ये टेक्स्ट की लेंथ कुमार के जगह पे कुछ भी, कुमार जो 5 लीटर का है ना, दोनों का लेटर कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, बस मुझे इसके बिहाफ पे इसको बांट देना है, समझ गए? तो हमारे पास फाइंड का फॉर्मूला है जो कि बताएगा कि इसका पोजीशन क्या है, कितने करेक्टर पे, जिसने बताया कि 6 करेक्टर पे, राइट? लेकिन सुजीत लग जाएगा तो फिर कैरेक्टर तो बढ़ तो जाएगा। बढ़ जाएगा, ये ऑटोमेटेड है ना। जैसे अगर मैं कुमार के जगह पे सुजीत कर दिया तो बढ़ गया यहां पे ना, 12 हो गया। तो अब लेफ्ट को क्या मिल रहा है, लेफ्ट को मिल रहा है 12 माइनस 1, कितना 11। तो यहां से वो लेफ्ट से 11 करेक्टर को अलग कर रहा है, इसका काम ही यही है ना। अगर फिक्स रहा तो क्यों लगाता मैं, हमें फिक्स नहीं करना है तभी हमने फाइन लगाया, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इस पे हम आपको अगली क्लास भी आपको हम इसी पे देने वाले हैं। सिंपल वाला तो समझ में आ जाते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते थो थोड़ा देखिए समझ सिंपल नहीं सा आता। एक फाइंड का फॉर्मूला, इसका काम है किसी भी लेटर को किसी सेक्टर में ढूंढना और उसका पोजीशन पता करना, सिंपल सी बात समझ जाइए। और फाइंड है उसी तरह से सर्च भी होता है, सर्च का भी काम सेम है कि किसी भी लेटर को किसी सेल वैल्यू के अंदर ढूंढना और उसका पोजीशन पता करना, ठीक है? तो इसमें देखिए आईपी इंडिया में @9th नंबर पे है, तो ये 9 से पहले वाले लेटर को लेफ्ट में ले रहा है, और यहां हम लिखा हुआ लेन माइनस फाइंड, क्योंकि मुझे ये नहीं पता, हमें ये पता है कि @ पहुंच गया तो @ से पहले की वैल्यू लेनी है, तो @ तक की पोजीशन तो हमारी 9th है, तो 9 से एक कम ले लेगा लेफ्ट में, बट राइट में प्रॉब्लम है कि मुझे 9th के बाद का लेना है। 9th के बाद कितना है ये हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पे लगाया हुआ लेन, लेन मतलब कि पूरी कम वैल्यू, मतलब कि आई से लेके एम तक कितना है, उसमें से आई से लेके @ तक को घटा दो, जो बचेगा वो आपका ओ से एम तक का दूरी होगा, ठीक है? बच गए। अब इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में हम आपको, कल की क्लास में हम आपको इसके कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को समझाएंगे, है? और इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जैसे कि अपर का फॉर्मूला है, इक्वल अपर का फॉर्मूला है, इसको अपर लेटर में कन्वर्ट करता है, लोअर का फॉर्मूला है जो इसको लोअर लेटर में कन्वर्ट करता है, प्रॉपर का फॉर्मूला है जो इसको प्रॉपर लेटर में कन्वर्ट कर दे, छोटे छोटे फॉर्मूले ऐसे हैं, तो इन सबों पे हम आपको कल डिस्कशन करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कल हम आपके साथ मिलेंगे।